प्रेज द लॉर्ड एवरी वन, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबनों बहुत सारी बरकत दे चुके हैं, ये मेरा विश्वास है। आज की वीडियो बहुत ही खास है आप लोगों के लिए। सबसे पहले है ना, आपने जो थंबनेल देखा उसका टाइटल के हमने क्या लिखा कि एक अगुआ स्वप्न में आकर है ना आपसे बात करे, इसके विषय में। और दूसरा प्रार्थना का एक महत्व हमारे जीवन में, ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है प्रार्थना का महत्व, और वो भी पॉजिटिव प्रार्थना है ना, जो अभी हम बहुत सारे लोगों को सिखा रहे हैं और लोगों को समझ आ रही है। और जितने लोगों को समझ आ रही है वो बहुत ही ब्लेस जिंदगी और परमेश्वर के नज़दीक जा रहे हैं। तो आज के बड़े सारे पॉइंट हैं जिसको आप लोगों ने बड़े ध्यान से सुनना है, मन लगाकर शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को सुनना। इस वीडियो के द्वारा आज आप बड़े ब्लेस होने वाले हो, बरकत पाने वाले हो। तो पॉइंट है ना, एक ज़बरदस्त पॉइंट है किसी अगुए का किसी के जीवन में स्वप्न में आना, ठीक है। तो हमारे चर्च में एक घटना हुई और कईयों के साथ हुई, ऐसा कईयों के साथ हुआ और हो सकता है और भी कई लोगों के साथ ऐसा हो रहा हो। आप लोग जानते हो, अगर आप हमारी मिनिस्ट्री से जुड़े हुए जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें याद होगा एक लड़की की हमने गवाही दी थी जो IAS स्टडी करना चाहती थी, IPS ऑफिसर बनना चाहती थी, उस पर ब्लैक मैजिक हो गया तो उसकी वो स्टडी सारी खराब हो गई, डिस्टर्ब हो गई। उसको बड़ी जगह लेकर गए, तांत्रिक बाबाओं के पास, डॉक्टर्स के पास, लेकिन उसकी ज़िंदगी पूरी बर्बाद होगी। फिर यीशु मसीह के बारे में पता चला, एक दो मिनिस्ट्रियों में गई, लेकिन वहाँ गई जहाँ पर शायद ले हैंड जब परेशान है बंदा उस समय नहीं होती, टाइम लग जाता है। तो वो रोते रोते वापस आ गई तो किसी ने बस में कहा हमारी मिनिस्ट्री के लिए वहाँ जाओ, आपकी सुनी जाएगी। तो मैं अच्छा फील करता हूँ, परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि खुदा ने ये मन मुझे दिया है कि जब भी हमारे चर्च में दुखी परेशान आते तो हम उनकी सुद्धि लेते हैं, ले हैंड करते हैं। तो ये एक अनुग्रह हमारी मिनिस्ट्री में परमेश्वर का, जिसमें मैं बड़ा खुश हूँ। तो बहुत सारे, अगर आप भी सुनते हो ऐसे दुखी परेशान लेकर आओ, उनका भला होगा, ठीक है। तो वो बिल्कुल पहले ले हैंड में ही फ्री हो गई और ब्लेस हो गई और बड़ा खुश हो गई उसकी फैमिली। उसके बाद वो लड़की और उसकी फैमिली कई लोगों को, कई रिश्तेदारों को उन्होंने जोड़ा, बड़े सारे लोगों को, और बड़े सारे लोगों के काम हुए हैं ना। अचानक उसके साथ एक घटना हुई। तो ये पॉइंट आप लोगों के बड़ा सीरियस है, आप लोगों के लिए इसको सीखना और समझना, क्योंकि खुदा के पवित्र आत्मा ने मुझे ये बताया है कि इस वीडियो को आपके लिए बनाऊं। तो जब एक अगुआ उसके स्वप्न में आता है, ठीक है, तो हम नाम तो नहीं लेंगे, लेकिन ये याद रखना कि अच्छा नाम है अगुए का, ये सोच लो आप, ठीक है। उसके स्वप्ने में आता है तो उस पर ले हैंड करता है। उसके बाद जब ले हैंड करता है तो उसके बाद अगले दिन से उसका ध्यान उस मिनिस्ट्री में जाना शुरू होता है। उसके बाद फिर वो खुश खुश उस मिनिस्ट्री की वीडियोस देखना शुरू करती है। फिर उसके बाद उनके आगे आगे और कई इंटरनेशनल अगुए पास्टर्स उनकी वीडियोस देखना शुरू करती है। उसके बाद उसके साथ बड़ा ही अजीब होता है कि इतना अच्छा वो परमेश्वर के साथ चल रही थी और अचानक से वो फिर से वो सारा कुछ उससे रिपीट हो जाता है, उसके हालात वही जो उसके साथ हो रहा था सारा कुछ, ठीक है। अब उसके घर वाले उसको समझा रहे लेकिन उसको समझ नहीं आ रही, फिर से वो अटैक आ रहे, फिर से उसको प्रॉब्लम रिपीट हो गई है। फिर वो हमारे पास आई है, उसकी मम्मी ने उसे समझाया तू वहाँ जा।
तो ये बात मैं बताने का मतलब, अब ये सीखो आप लोग सारे, जब सब कुछ उसके साथ ठीक चल रहा था तो क्या वो अगुए का स्वप्न में आना परमेश्वर की ओर से? अगर तो परमेश्वर की ओर से है तो वो तो और आगे बढ़ेगी, और अच्छा होगा ना। तो इसका मतलब बाइबल में ये लिखा था कि शैतान स्वर्गदूतों का रूप धारण कर सकता है, तो वो किसी भी अगुए के रूप में आकर किसी को भी डिस्टर्ब कर सकता है। ये एक सीरियस मैटर है और हमारी मिनिस्ट्री में कई लोगों के साथ हुआ। मैंने कई लोगों के बारे में सुना ऐसा ऐसा, ये अगुआ मेरे स्वप्न में आता है, ये स्वप्न में आता है। मैं बताना चाहता हूँ, परमेश्वर ऐसा कभी भी नहीं करता। मान लो एक इधर जुड़े हुए बिलीवर है हमारे साथ, ठीक है, अच्छा चल रहे हैं, तो परमेश्वर दूसरे या तीसरे किसी अगुए का स्वप्न देखकर उसको डिस्टर्ब करेगा, आगे पीछे करेगा? तो ऐसा नहीं करता। तो इसलिए आप लोगों को ये वीडियो बनाने का मकसद ये था हमारा, इसमें एक टीचिंग थी आप लोगों के लिए कि जब भी ऐसे कभी भी स्वप्न आए तो आप लोगों से इग्नोर करो और आगे बढ़ो और अपने अगुए के साथ खड़े रहो, वफादार रहो, परमेश्वर के साथ वफादार बनो। क्योंकि अभी वैसे भी क्रिश्चियनिटी में बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि क्रिश्चियनिटी ये वो नहीं है जैसे संसार का राज्य है ना, दुनिया जैसे चलती है ना, वो कहती ना वो बाबा बड़ा जहरा है, वहाँ बड़ी शक्ति है, वो बाबा ऐसे है, वो जगह जाओ वो जगह जाओ, तो परमेश्वर के राज्य में ऐसा नहीं है। हाँ, हर एक अगुआ ईमानदार चाहिए, सच्चे दिल वाला चाहिए। परमेश्वर का कानून पूरी दुनिया के लिए एक है, फेथ का, अच्छे मन का बदलना, मसीह में आकर क्या करना, कैसा दिल चाहिए, विश्वास में कैसे जीना है, कैसे परमेश्वर के साथ रिश्ता रखना है, ये सारी बातें अगर किसी इंसान के जीवन में ये है अच्छे से, तो वो अपनी एक अच्छी ज़िंदगी को जिएगा। तो अगर ये नहीं है तो बड़ी से बड़ी मिनिस्ट्री चल जाओ, कहीं भी चले जाओ, कुछ भी होने वाला नहीं है, ये कानून कहता है परमेश्वर का। तो इसलिए अजीज़ो, परमेश्वर के प्यारो लोगों, तो खुदा का आत्मा मुझे अगुवाई कर रहा था कि मैं इस वीडियो को ज़रूर आपके लिए बनाऊं। और दूसरा, अभी इस पॉइंट के साथ साथ मैं चाहता हूं आप अपनी लाइफ में जो प्रार्थना का महत्व है, हर एक विश्वासी के जीवन में, पास्टर के जीवन में, अगुए के जीवन में एक बड़ा महत्व है प्रार्थना का, तुम लोगों ने इसमें समझना है, ठीक है। अपनी प्रार्थनाओं में कैसे पॉजिटिव प्रार्थना करनी है, क्योंकि ये जो हम लोगों को कहते हैं पॉजिटिव प्रार्थना, हमारी मिनिस्ट्री में ये परमेश्वर का प्रकाशन है पॉजिटिव प्रार्थना का, ये बड़ा ही पावरफुल है। जब हम यीशु मसीह के जीवन को देखते हैं, एक जगह पर यूहन्ना में यीशु मसीह ने संसार के लिए प्रार्थना की, फिर चेलों के लिए प्रार्थना की, है ना, तो वो बड़ी पॉजिटिव थी। वहाँ से देखना, चेलों की प्रार्थना देखना, वो कैसे पॉजिटिव प्रार्थना करते थे। तो ये बाइबल से हमने उन बातों को पकड़ा जिससे हमने लोगों को पॉजिटिव प्रार्थना करना सिखाया। जब ये दुनिया को समझ आएगी, देखना वो कैसे स्ट्रांग अपने जीवन को जिएंगे। और साथ में ही मैं आपको एक पॉइंट समझाना चाहता हूँ, जैसे मान लो हम जानते हैं यीशु मसीह देह में है ना, मनुष्य शरीर में पैदा हुए, लेकिन उनके बारे में लिखा कि परमेश्वर की पूरी परिपूर्णता यीशु के अंदर वास करती थी। वो देह में मनुष्य शरीर में पैदा हुए, लेकिन परमेश्वर की सारी परिपूर्णता यीशु मसीह के अंदर वास करती थी। इसीलिए यीशु मसीह मुर्दों को जिंदा करते थे, लंगड़ों को चलाते थे, अंधे, जन्म के अंधों की आंखों पर हाथ रखते थे तो जन्म के अंधों की आंखें क्या आ जाती थी, एकदम से नहीं, क्योंकि परमेश्वर की सारी परिपूर्णता संदेहवास यीशु के अंदर करती थी। लेकिन सोचने वाली बात है कि फिर यीशु तो एकदम से परफेक्ट है, तो यीशु को तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यीशु मसीह ने अपने जीवन से दिखाया कि एक मनुष्य देह में आपने क्या क्या करना है। इसीलिए यीशु मसीह ने भी प्रार्थनाओं में रहा। हमने देखा यीशु मसीह रात रात प्रार्थना करते थे, क्योंकि उनके पास दिन को टाइम नहीं था। इसलिए ये नहीं मैं कहता कि आप भी रात रात करते रहो, मतलब सही टाइम आपके पास प्रार्थना का होना चाहिए, जैसे सोने से पहले ज़्यादा नहीं तो 2 घंटे, अगर आप 10 बजे फ्री हुए सब चीज़ें करके खाना पीना
तो 10 से 12 भी कर लो, कम से कम 2 घंटे तो ये भी बहुत है। सुबह उठो, उठते ही प्रार्थना में बैठ जाओ, लगा दो 1-2 घंटे, उसके बाद देखना अपना जीवन। तो यीशु मसीह के पास टाइम नहीं था, इसलिए वो लोग रात रात करते थे। अगर आपको आत्मा कभी अगुवाई करे तो आप कर सकते हो, डोंट वरी। ऐसा कोई परमेश्वर ने कंडीशन नहीं दी कि ऐसे करो ऐसे करो। जब भी हमारे पास टाइम है, मेन है आपने पॉजिटिव रहना है, अपने मन में अपने विश्वास में आपका फोकस परमेश्वर की ओर चाहिए। कई लोगों का अगुओं की तरफ बड़ा फोकस होता है, एक अगुआ है आपका उससे भी छोड़कर पता नहीं कहाँ का फोकस होता है, वो भी आपको डिस्टर्ब कर देगा, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ को ख़राब कर देगा। तो इसलिए पॉजिटिव प्रार्थना का बड़ा महत्व है। तो आइए कुछ मिनटों के लिए हम लोग एक पॉजिटिव प्रार्थना को करते हैं, जैसे आप लोग और भी सीख जाओगे पॉजिटिव प्रार्थना क्या होती है। मैं इसको आपको सिखाऊंगा अभी और, है ना, क्योंकि आप इसको कर पाओगे। सबसे पहले ये बात आप याद रखना, जैसे परमेश्वर सृष्टि करता, हमारा पिता परमेश्वर प्रभु, उसने अपने काम को सारा कंप्लीट किया है, ठीक है। जैसे यीशु मसीह जब क्रॉस पर चढ़े अपना प्राण त्यागने से पहले उन्होंने कहा, इट इज कंप्लीट, सब कुछ पूरा हुआ। मतलब परमेश्वर के राज्य में आप चल रहे हो तो आपके लिए कोई भी चीज़ अधूरी नहीं है, आपकी ब्लेसिंग अधूरी नहीं है, आपकी चंगाई अधूरी नहीं है। ऐसा नहीं है आपको कुछ चंगाई मिली बाद में बाकी पेंडिंग रहेगी, ऐसा कोई मतलब नहीं है। आपकी पूरी चंगाई अवेलेबल है। आपको यहाँ क्या करना है, एक तो आपको इस बात को विश्वास करना है पॉजिटिव कि मेरे लिए कंप्लीट है सब कुछ। और अगर आप प्रार्थना भी जाते तो ऐसे प्रे कर सकते हो, परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु, आपने सब कुछ पूरा किया, ये आपका वचन कहता है, आपने कुछ भी अधूरा बाकी नहीं छोड़ा। तो मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ अपने आपके वचन के अनुसार कि मैं कंप्लीटली हील हो चुका हूँ। मेरा ये मेंबर कंप्लीटली, इसकी ये बीमारी खत्म हो चुकी है, कंप्लीट हीलिंग आ चुकी है। तो कलीसिया, परमेश्वर के प्यारे लोगों, ये पॉइंट समझाने का मतलब आपको, ये पॉजिटिव प्रार्थना है, ठीक है। कई लोग हर इंसान की अपनी बुद्धि अपनी समझ होती है और उस हिसाब से कुछ ना कुछ करते रहते, लेकिन मैं तो बिब्लिकल आपको समझा रहा हूँ, जैसे खुदा का कलाम कहता है। जैसे आप अपने लिए प्रार्थना करो, जब आप जानते हो, जब आप आत्मा में फिल होते जाओगे, भरते जाओगे, आपके अंदर आत्मा बहुत काम करेगा, उस वक्त आप छोटी छोटी गलतियों को भी नोटिस करोगे कि यहाँ मैंने गलती की, ये मुझसे मिस्टेक हुई, आप उसे रियलाइज करोगे अपने आप अंदर, उसको देखोगे, हाँ ये गलती। तो फिर आप परमेश्वर को बोलोगे, हाँ मुझे ये नहीं करना, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ऐसे एक अच्छी चीज़ आपके अंदर चलने लगेगी। अगर कोई शरीर में है तो बड़ी गलतियां करने के बावजूद भी मानेगा नहीं, ये बड़ा अजीब मैटर है। तो इसलिए मैं बताना चाहता हूँ आपको, कई लोग बहुत बार अपनी प्रार्थनाओं में लगातार अपने आप को ऐसे बोलते हैं, मैं पापी हूँ, ओ मैं पापी हूँ, क्योंकि बाइबल के कुछ वचनों को लेकर। लेकिन याद रखना, परमेश्वर ने हमें कंप्लीट पूरी रीति से धर्मी ठहराने के लिए अपने काम को पूरा किया, क्योंकि कुछ भी अधूरा नहीं है। परमेश्वर ने कहा, यीशु मसीह के लहू बहाने के द्वारा तुम पाप से छूटकर धर्मी ठहरे। तो वचन कहता है, जब हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया तो हमारे सारे पाप क्षमा हुए, उसी वक्त हमारे ऊपर पवित्र आत्मा की शाप लगी और हम धर्मी ठहरे। तो आप अपनी प्रार्थना में पॉजिटिव ऐसे बोल सकते हो, मैं पापी था, मैं गुनाहगार था, मैंने बहुत गुनाह किए जिनकी कोई क्षमा ना होती परमेश्वर, और मैं नाश होता, नरक में सड़ता, लेकिन तेरी दया बड़ी है प्रभु। सचमुच प्रभु यीशु, आप कितने दयावान हो, आपने मेरी मौत को, मेरे पाप को, मेरी नीचता को, मेरे दुखों को, प्रॉब्लम्स को अपने ऊपर लिया, तेरा प्रेम अथाह है। थैंक यू प्रभु, थैंक यू परमेश्वर, सच्ची आप महान हो, क्योंकि आपने मुझे पाप से मुक्त करके धर्मी ठहराया, अब मैं धर्मी हूँ। हे परमेश्वर पिता, मैं धर्मी के काम कर चुका, तेरी इच्छा में चल चुका परमेश्वर,
जैसे आप चाहते हो वैसे कर चुका, ये आप मेरे लिए कर चुके परमेश्वर, मैं खुदावंद तेरी इच्छा में चल चुका यीशु मसीह के नाम से। तो ये दूसरा पॉइंट है आप लोगों के लिए प्रे का, हम कैसे प्रार्थना करते हैं, हम अपने परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, है ना, जो परिवार आगे पीछे है अगर वो प्रभु में नहीं है तो आप धन्यवाद दे सकते हो परमेश्वर, वो बचाए जा चुके हैं, वो आपको जान चुके हैं, वो छुड़ाए जा चुके हैं संसार से, दुष्ट का गंदा प्रभाव उनके जीवनों से खत्म हो चुका, आप उन्हें चुन चुके हैं, वो निश्चय बचाए चुके, मेरा विश्वास है, मेरी प्रार्थना है आप ये फल ला चुके हो, ऐसा हो चुका है। आप अपने परिवार को जीतना चाहते हो, उन्हें लाना चाहते हो, अपने लोगों को, अपने गांव को, अपनी सिटी को, अपने स्टेट को, अपने देश को, वर्ल्ड को, अगर आप अपनी अच्छी आदत बनाओगे सब चीज़ों के लिए प्रार्थना करने के लिए, परमेश्वर खुश होगा, स्पिरिट आपके अंदर बड़ा खुश होगा। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, साथ में अगर आपका कोई मेंबर गुस्सा करता है, आगे पीछे झगड़ा करता है, या कुछ नशा करता है, कुछ भी गलत करता है, तो उसके लिए भी पॉजिटिव देखो उसे रोज डेली, और उसके लिए पॉजिटिव सोचो। कई बार क्या होता है, जब कोई ऐसा मेंबर होता है डिस्टर्ब करता हमें, है ना, घर में, तो हम मन में बड़ा गुस्सा कर लेते हैं, मन खराब करते हैं, उससे और खराबी हो जाती है, है ना। कई बार उसमें प्रार्थना करने की समझ नहीं होती, उसके लिए कैसे प्रार्थना करना है, धन्यवाद परमेश्वर आप उससे बदल चुके, वो चुना जा चुका, मुझसे भी ज़्यादा अच्छा चल चुका है, बेस्ट जिंदगी आपकी इच्छा में चल चुका है, ये हो चुका, ये हो चुका है ईश्वर के नाम, ये पॉजिटिव प्रार्थना है। ठीक है, पॉजिटिव प्रार्थना के बहुत सारे पॉइंट है, आप खुद प्रे नहीं कर पा रहे, धन्यवाद परमेश्वर आपकी सामर्थ मुझ में कम कर रही है, मैं प्रार्थना में बढ़ चुका परमेश्वर, मेरी प्रार्थना बहुत सारी बढ़ चुकी है, खुदावंद आपने मुझे चुना है, मुझे बुलाया है, मैं आपकी इच्छा में बढ़ चुका, मैं संसार की चीज़ें नहीं, संसार का मन नहीं, आपका मन मुझ में आ चुका है। जब आप पॉजिटिव पॉइंट रख रहे हो परमेश्वर के आगे, अपनी प्रार्थना के लिए, बाइबल रीडिंग के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए धन्यवाद दे रहे हो, परमेश्वर से बातें कर रहे हो, तो ये सब कुछ होगा। चाहे आप प्रार्थना कर रहे हो अभी फल नहीं आ रहा, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, हम जो बोते हैं उसे काटते हैं। अगर आप कंटिन्यू अपनी प्रार्थनाओं में अपने फलों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी लाइफ के लिए, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए, दानों वरदानों के लिए भी अगर आप बात कर रहे हो, दानों वरदानों को भी अपनी प्रार्थना में पाने के लिए अंगीकार का बीज बो रहे हो, धन्यवाद का बीज बो रहे हो, तो एक दिन आपके अंदर दान वरदान काम करेंगे होली स्पिरिट के द्वारा। आप बड़ा दीन रहना चाहते हो, आप पेशेंस बड़ी रखना चाहते हो, आप जल्दी जो डिसीजन लेते हो जल्दी काले पड़ जाते हो, जल्दी डिसीजन लेते हो, जल्दी कुछ ना कुछ बोलते हो, मिस्टेक करते हो, नुकसान झेलते हो, बाद में पछताते हो, इसके लिए भी परमेश्वर के आगे रखो। और अब जब ये भी आप परमेश्वर के आगे रखोगे, आप हैरान हो जाओगे, आपके अंदर बड़ी पेशेंस काम करने लगेगी, आपके अंदर बड़ा धीरज काम करने लगेगा, आप एक मजबूत व्यक्ति बनने लगोगे। क्योंकि हमें ज़िंदगी ये जो परमेश्वर ने दी है, ये इसलिए दी है कि हमें इसे अच्छे से जिए, कुड़ कुड़ कर नहीं, रो रो के नहीं, मर मर कर नहीं, ऐसा नहीं हर दिन सोचते रहो तकलीफ भरा, ना ना ना, परमेश्वर ने आपको बुलाया एक बेस्ट लाइफ के लिए, एक उत्तम लाइफ के लिए, एक स्पिरिचुअल लाइफ के लिए। खुदा आपके साथ है, वो पावरफुल है, वो दुनिया का मालिक है, कोई नेगेटिविटी, कोई शैतान, ये कुछ नहीं है, परमेश्वर है इस दुनिया का मालिक। सरकारें, दुनिया, धर्म, चीज़ें गड़बड़ चल रही है, आप पॉजिटिव बन जाओ, सबके लिए प्रार्थना करो, क्रिश्चियनिटी के लिए प्रार्थना करो, कॉन्टिन्यू करो, फिर देखना आप रिजल्ट देखोगे। पूरी मिनिस्ट्रियों के लिए करो, पूरे अगुओं के लिए करो, एक मन हो जाए, इनकी मन सहायक हो जाए, फिर देखना आप रिजल्ट कैसे होंगे। आई होप मैं आपको कुछ पॉइंट समझा रहा था प्रार्थना की। उससे पहले मैंने अगुए का, किसी भी अगुए का एकदम से स्वप्न में आना, मैंने ये अच्छा सा आपको समझाया है, उस बात को लेकर आप पॉजिटिव बनना, आगे बढ़ना, परमेश्वर आपके साथ है। आई होप, मैं अभी फ़िलहाल आपको ये पॉइंट से समझा रहा था, बहुत लंबी वीडियो तो मैंने नहीं बनाई,
लेकिन मैं बिलीव करता हूँ इसके द्वारा आपका मन अच्छा हो चुका है, आपकी प्रार्थनाएं बढ़ चुकी है, आपके बहुत सारे हालात यीशु नाम से ख़त्म हो चुके हैं। परमेश्वर आपको अगले स्टेप में आगे लेकर जा रहा है। परमेश्वर आपकी ज़िंदगी को, आपके परिवार को, आपकी जॉब को, आपके बिजनेस को ज़बरदस्त रीति से ब्लेस कर रहा जा रहा है। मैं प्रोफेसी करता हूँ आने वाले दिनों में आप ऊँचे किए जाओगे, ज़बरदस्त आपकी ब्लेसिंग्स होगी। खुदा ने जिसने हमें खड़ा किया, चुना है, उसने बुलाया ही अपनी महिमा के लिए, तो आपके जीवनों में महिमा होगी। गवाहियों से, आपकी उन्नति से, आपकी बरकत से, आपकी आशीषों से खुदावंद की महिमा होगी। अन्य जाति लोग कहेंगे, वाह ये है खुदा के लोग। अपने आपके जीवन से, आपके स्वभाव से, आपके चाल चलन से, आपके शब्दों से, आपकी बरकत से। इसलिए जितने लोग भी इस मिनिस्ट्री, हमारी मिनिस्ट्री में जुड़े हुए हैं, खड़े और वफादार रहना इस मिनिस्ट्री के साथ, आप ऊँचे किए जाओगे। अगर ये वीडियो को पहली बार सुनी या आपने सेंड की है तो उसने इसको सुना है, आप परेशान हो, हमारी मिनिस्ट्री लोगों पर वर्क करती है, हमारी मिनिस्ट्री में लोगों की शुद्धि ली जाती है, तो जब भी आप किसी को भी लाना चाहते आ सकते हो। सब कुछ यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट है परमेश्वर की ओर से, जैसे वचन में लिखा वैसे ही है। तो परमेश्वर आपको बरकत दे इस वीडियो के द्वारा, इस वचन के द्वारा, इस प्रार्थना के द्वारा। आप गवाहियों से आ चुके हो। ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल।